बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। व्यूअर्स, आज हम आए हैं गोंडला स्टेशन के ऊपर। ये रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और आज भी उसी तरीके से कायम दायम है। यहाँ की बिल्डिंग्स भी पुरानी हैं, यहाँ पर एक अजायब घर भी है और अगर हमें इजाज़त मिली तो हम उस म्यूज़ियम के बीच में जाएँगे और आपको वहाँ की चीज़ें भी दिखाएँगे। फ़िलहाल आपको मैं खाली ये दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है, एक साइड पर एक ट्रेन खड़ी है, दूसरी साइड पर दूसरी ट्रेन खड़ी हुई है। मॉडल के तौर पर ये स्टीम इंजन है और यहाँ पे अब मॉडल के तौर पे इसको खड़ा किया गया है। भी और मैंने अहमद को भेजा था टिकट लेने के लिए, वो भी टिकट लेके आ चुका है ताकि हम लोग इस स्टेशन के बीच में खड़े होकर आराम से उसको वीडियो बना सकें। और सबसे मेन बात है इस स्टेशन की ये है कि परी का ड्रामा जो काफ़ी हिट गया है, वो ड्रामे की शूटिंग भी इसी जगह पर हुई है। उसके अलावा काफ़ी सारे कमर्शल्स हैं, उनकी शूटिंग यहाँ पर हुई है। ये स्टेशन खूबसूरती के हवाले से और हिस्टोरिकल प्लेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। टिकट आ चुका है, चलते हैं अंदर। उन्होंने अपने दौर के बीच में ट्रेन की पटरियां भी जाई थी, आज भी वही ट्रैक्स चल रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वक्त के साथ साथ मॉडिफाई करती जा रही है क्योंकि जो नई ट्रेन हैं उनके ट्रैक्स की जो बीच में विक्त गैप है वो और पुरानी जो अंग्रेज़ों के दौर का ट्रैक्स है उनका गैप उसमें डिफ्रेंस है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है जो नए दौर का और वो थोड़ा कम था, वो ज़रा बग्घी के हिसाब से था, जिस तरह टांगा या बग्घी के टायरों के दरमियान का फासला हुआ करता था उसी हिसाब से मैं रखा था क्योंकि वो टांगे की बग्घी को बीच में ही टायर लगा के उसको तो इस्तेमाल कर दिया करते थे एज अ ट्रेन। लेकिन अब जरा वक्त चेंज, आज भी जो लैंप वगैरह लगे हुए यहाँ पे वो उसी दौर के लगे हुए बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। ये मेरे पीछे जो लैंप आप देख रहे हैं अब तो ज़रा मॉडिफाई हो गया सिस्टम, उसके बल्ब शल्ब लग गए लेकिन ये स्टाइल वही पुराना है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये कोई साइरन बजाने वाला कोई आला सा लगा हुआ है जिससे ये ऊपर लिखा हुआ वेल्टन्स ऑन द नाजी। हाँ, ये कोई साइरन वगैरह ही है, ये तूता सिस्टम है। ये आप देखें, ये थोड़ा सा तूता शूता और पापड़ा, हम लोग तो इसको पापड़ा बोलते हैं और जो इसकी लीगल है वो उसके बीच इसको साइरन कहा जाता है। ये साइरन उसी दौर का लगा हुआ है और यहाँ पर दरख्त भी काफ़ी बड़े बड़े, ये मेरे पीछे दरख्त देख रहे हैं, ये भी तकरीबन 200-300 साल पुराने दरख्त लगे हुए। और ये अब म्यूज़ियम है, मैंने अंदर बात तो की है स्टेशन मास्टर से कि भाई इजाज़त दे मैं अंदर की वीडियो बना लूँ, टिकट भी मैंने ख़रीद दी है लेकिन अब अल्लाह जानता है कि मुझे इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टेशन के बीच में जगह जगह मॉडल्स ट्रेन के, ये एक छोटा सा मॉडल बना हुआ और ये मॉडल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जगह जगह रखे हुए हैं। उसके अलावा एक और बड़ा मॉडल है जो आप मेरे पीछे भी ये देखें, ये बड़ा मॉडल है, ये पिंडी स्टेशन पे भी लगा हुआ है, गोंडला स्टेशन पे भी है, लाहौर स्टेशन पे भी है, जगह जगह पे स्टेशन पे ये मॉडल जिन्होंने नस्ब किए हैं। तो अब देखते हैं कि स्टेशन मास्टर साहब हमें टाइम देते हैं या नहीं देते। अब शाम मुजम्मल सरकार के जाना था तो रास्ते में गोंडला स्टेशन भी आता है, मैंने कहा गोंडला स्टेशन भी कवर कर रहे हैं। और ये पानी की टंकियाँ भी इन्होंने उसी दौर की लगाई हैं जो आज तक चल रही हैं, अगर खुदा की कसम पाकिस्तानियों ने बनाई होती अभी तक इसके बीच में 10 सुराख हो चुके होते। जगह जगह पे ना किसी ने कोई छापर तो ना होता, किसी ने कोई चीज़ तो नहीं होती सुराख बंद करने के लिए, लेकिन ये अंग्रेज़ों के दौर की चीज़ें अभी तक कायम होती। और ये जो पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भी उसी दौर की बिल्डिंग बनी हुई है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और मजबूत बिल्डिंग है, ये देखने में बड़ी प्यारी नज़र आती है। और ये भी गैलरी नंबर 1 के नाम से इन्होंने रखी हुई है। स्टेशन पर मिले हैं अरफलान साहब, ये भी पाकिस्तान रेलवे के मुलाजिम हैं, पूछते हैं कि इनका उबा क्या और कितने अरसे यहाँ पे तैनात हैं। जी अरफलान साहब, सबसे पहले तो क्या हाल है आपका? ठीक है, इलाका है, इस वजह से मैं इनसे पंजाबी में भी बातचीत शुरू कर रहा हूँ। तो सर दसो कि इतने मैं तके आगे काफ़ी सारिया हिस्टोरिकल चीज़ा पे हैं तो इतने लोग आके तंग नहीं करने कोई चीज़ छेड़छाड़ करूँ क्योंकि ये मेरे ना इलाका तो सब मैं चंगे तरीके से जानना, इतने लोग माशाल्लाह कुछ ना कुछ हाथ पैर कर ही मैंने। हाँ बिल्कुल गल सर, बिल्कुल ठीक है, ओपन स्टेशन है ना, गेट वे नहीं, गेट नहीं ओपन स्टेशन है, इधर तो बाहरी के लोग काफी आ जा रहे हैं लेकिन इस पर चीज़ छेड़ना फिर लोग भी थोड़ा बहुत है एहसास है कि चौबी घंटे दौरान कितनी ट्रेन लंघ मानी है? इधर तकरीबन जो है सारे कुछ स्टॉप इन अगर 5 ट्रेन मेला इन स्टेशन ने, ठीक है, पेशावर टू कराची मेला इन स्टेशन, इधर गड्डियाँ स्टॉप करनी है सिर्फ पेशावर टू अलावा क्वेटा, उसके अलावा जो दोनों फटल गड़ियाँ मुल्तान, लेकिन एक वाटर से एक हवेलियाँ से देखा
मेन लाइन या जी व्यूअर्स, ये वाली बिल्डिंग जो जिस किस्म में मैं खड़ा हूँ और जो स्टेशन की मेन बिल्डिंग है, ये 1881 के बीच में इसको बनाया गया है। और जंक्शन ये भाई बताएंगे कब बनाया गया जंक्शन? 1912 में आया था जंक्शन के तौर पर, 1912 के बीच में एज अ जंक्शन इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया था, यानी कि जंग अजीम दो के बीच में ये जंक्शन इस्तेमाल हुआ है। तो आपने देख लिया और इसके बाद हमारी रवानगी अब गोल्डा शरीफ या बाबा शाह मुजम्मल सरकार के, दोनों में से किसी एक की तरफ जाएंगे पहले। तो उस वक्त तक के लिए हमें जरूरत है, अल्लाह हाफिज़।